नमस्ते दोस्तों, कल रात को मैंने और मेरे परिवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। आपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व करने के लिए। और दोस्तों, इस कश्मीर के हुए हादसे को एक वन ऑफ दी इंसिडेंट से समझना कि एक रात एक दिन ऐसा हादसा हो गया होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहां उतने ही हिंदू थे जहां जितने कि यहां मुसलमान। आज यहां मुसलमानों की आबादी देखिए, और वहां नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। रोज उनको मारा जाता है, रोज उनको रेप होता है, रोज उनको काट के फेंका जाता है। दोस्तों, कहां गए वो करोड़ों लोग, कभी सोचा है आपने? बांग्लादेश से कहां गए वो लोग, कभी सोचा है आपने? दोस्तों, पिछले साल हमने देखा बंगाल में, जैसे ही वो इवल सरकार आई, वहां पे लोगों को मार काट काट के फेंका गया। किसी सरकार ने हेल्प नहीं की, औरतों को रेप कर करके सड़कों पे फेंका गया। दोस्तों, ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और जो चीज आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई है, आपको आपकी किताबें नहीं बताएगी, मीडिया नहीं बताएगी, आपको अपनी इंसानियत को झंझोड़ना है और कहना है कि हम अपनी मानवता को खुद को गाइड करने दें, आपको सब पता चलेगा। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए, इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए। और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर है अपने आसपास जहां भी दिखता है, उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें, और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। जय हिंद।